हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम है दीपक ठाकुर और मेरे चैनल माउंटेन बॉय में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ शेफर्ड भाइयों के पास एक नाइट स्पेंड करने, और आज हम करेंगे यहाँ पे कुकिंग। खाने में बनाएंगे हम चिकन और एक नाइट रहेंगे, पूरी स्पेंड करेंगे और भेड़ बकरियों के साथ। ये देख सकते हैं आप, डेरा लग चुका है तंबू। तो आपको आज पूरी रात का एक्सपीरियंस हम बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे हुआ और क्या क्या होता है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। यहाँ पे देख सकते हैं आप डेरा, ऐसे ही गद्दी भाइयों को तंबू लगा के रहना पड़ता है। और यहाँ पे घने जंगलों के बीच ये देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ ट्रीज ही ट्रीज हैं। और तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे गद्दी भाई बकरी का दूध निकाल रहे हैं। ये जो दूध होता है ये बहुत ही लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए, बकरी का दूध। इससे हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप गद्दी भाइयों का चूल्हा, और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे मेरे पीछे है दूर, बोलते हैं हम इसको अपनी लैंग्वेज में, ऊन, प्योर ऊन की बनी होती है। आज हम इसके साथ सोएंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप नीचे ये बिछाया हुआ है, और ये साथ में ये बर्तन, इन आज हम इन पे करेंगे कुकिंग पूरी। तो अभी हम सामान वगैरह निकाल लेते हैं, चिकन वगैरह कटिंग वगैरह करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं हम। मेरे साथ में ही है डॉग, बार नस्ल के कुत्ते हैं ये, हिमाचल के। ये देख सकते हैं आप तीन कुत्ते हैं, ये अपने नज़दीक भेड़ बकरियों की रक्षा करते हैं, अपने नज़दीक बिल्कुल भी किसी जानवर भालू वगैरह को आने नहीं देते हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं आप भेड़ बकरियाँ भी आ रही हैं डेरे को धीरे धीरे करके। और भेड़ों के साथ में ये है घोड़े, घोड़े मतलब इन्होंने शेफर्ड वालों ने इसलिए रखे होते हैं क्योंकि इन्हें जाना पड़ता है एक दूसरी जगह पे, तो इनको सामान लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो इसलिए इन्होंने घोड़े रखे होते हैं। और ये साथ में ही माउंटेन देख सकते हैं, और ये ग्लेशियर, अभी भी बर्फ नहीं पिघला है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हमारी आग भी जल चुकी है और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और ये बाहर देख सकते हो आप धुंध पड़ी है यहाँ पे बहुत सारी। पहाड़ों में आग सेकने का हर कुछ ही मजा है, ठंड में बहुत सारा मजा है। बहुत लकड़ियां भी देख सकते हो हमने काफी इकट्ठा कर ली है। अब इसके बाद हम पानी वगैरह लाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको गद्दी भाइयों का लाइफस्टाइल। तो दोस्तों अब हमारा लग रहा है तड़का, तड़के में ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं पड़ रहा है, मसाले वगैरह हम बिल्कुल सिंपल सा बना रहे हैं। और मेरे हाथों में ये देख सकते हैं आप गद्दी भाइयों की है स्पेशल पतीले के लिए पकने के लिए ऐसे। तो अभी हम चिकन वगैरह बना लेते हैं। तो हमारा चिकन है ये, देख सकते हैं आप चिकन हमारा। तो अभी हम इसके थोड़ी देर बाद चिकन को डालेंगे, बताएंगे आपको कैसा बनता है। देख सकते हैं आप लोग भेड़ बकरियां जो कि डेरे में आ चुकी है, सब आराम से रेस्ट कर रही हैं, और मौसम भी बहुत धुंधला धुंधला सा है। और ये पीछे बहुत ही बड़ा नाला है, और पीछे बर्फ की वादियों से ढका हुआ पहाड़, बहुत ही प्यारा लग रहा है। गाइस फाइनली हमारा चिकन रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप।
तो आइए टेस्ट करता हूँ इसको, कैसा बना है हमारा चिकन। बहुत अच्छा बना है, पूरा स्पाइसी स्पाइसी बना है। तो अभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं, तो उसके बाद आपको फिर सुबह जाके बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप चिकन, अभी हम डिनर वगैरह करेंगे फिर सो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह। तो गाइस हमारा बिस्तर रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अंदर से हम इस एक को कंबल लेंगे, ये वाला, फिर ये वाला लेंगे, और फिर लास्ट में लेंगे ये वाला, देख सकते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह हो चुकी है और अभी मैं पी रहा हूँ चाय। तो रात तो अच्छी थी, अच्छी बीती हमारी, मज़ा आया। और बीच में थोड़ी साउंड वगैरह आ रही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था मेरे को, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो ऐसा हो रहा था शायद मेरे साथ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा रात का, मज़े किए हमने रात को। तो ये बाहर देख सकते हो आप, अभी हो रही हल्की हल्की बारिश और भेड़ बकरियाँ भी बेचारी ऐसी खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप बाहर। तो गाइस अभी मैं अपना ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आपसे फिर मुलाकात होगी फिर ऐसे नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।